शारदा YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सभी लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे, डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन, ठीक। आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं, किस लिए भोजन करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? हम लोग भोजन क्यों ईट करते हैं, क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, है ना। तो इसका मतलब कि जो भोजन हम लोग ईट करते हैं उसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तभी तो हम लोग भोजन को ईट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन को हम लोग क्यों ईट करते हैं, तो भोजन को क्यों ईट करते हैं, एनर्जी के लिए ईट करते हैं, है ना, एनर्जी के लिए ईट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अंदर जाने के बाद में, हमारे बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद में, हमारे बॉडी सेल्स को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। और वो जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं वो कौन कौन से तत्व होते हैं? मेनली आप लोग पढ़ते हो कि हमारे भोजन में 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के पोषक तत्व? कौन कौन का? एक हो गया कार्बो। देखिए, हम लोगों के भोजन में मेनली कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर एक जो हो गया वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में क्या पाया जाता है? फैट्स पाया जाता है। फिर प्रोटीन हो गया। प्रोटीन के अलावा विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विटामिन और मिनरल। ये 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हम लोगों की बॉडी में पाए जाते हैं। बट हम लोगों का जो बॉडी होता है, और उस बॉडी, आप लोग जानते हो कि हम लोगों की जो बॉडी होती है वो करोड़ों सेल से मिल करके बनी हुई है। कभी भी हमारी जो सेल्स होती हैं इन पोषक तत्वों से सीधे डायरेक्ट एनर्जी नहीं बना सकता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये सभी कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं, जटिल रूप में होते हैं। जटिल रूप में होने के कारण हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं कि डायरेक्ट इन लोगों को अपने अंदर इंटर कर सके या डायरेक्ट इनके अंदर जा सके और एनर्जी के रूप में बदल सके। इसीलिए इन सभी को क्या होता है, एक सरल रूप में टूटना पड़ता है। क्या? सरल, सिंपल रूप में, सिंपल फॉर्म में टूटना पड़ता है। और वो जो इनका सिंपल फॉर्म है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इस सिंपल फॉर्म में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और आप ये चीज़ जाने रही है कि कभी भी हमारे बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल का डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन और मिनरल ऑलरेडी पहले से ही इतने सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं, इतने छोटे रूप में पाए जाते हैं कि हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कभी भी हमारे बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल का डाइजेशन नहीं होता है। हम लोग जो डेली भोजन में खाते हैं, मेनली जो खाते हैं वो कौन कौन सा खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और इसी में विटामिन और मिनरल भी आ जाता है। आप लोगों को बताए थे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जितने भी अनाजें हम लोग खाते हैं जैसे कि चावल हो गया, ठीक, गेहूँ का रोटी जो खाते हैं, डेली रोटी, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खाया ना खाए लेकिन ये चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग डेली यूज करते हैं अपने भोजन में, ठीक। उसके अलावा आलू हो गया, तो जैसे मान लीजिए चावल, चावल की एग्जांपल में अगर हम लोग लें तो चावल में हम लोगों में क्या कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ उसमें एक विटामिन भी पाया जाता है, विटामिन B1, ठीक, उसमें वो भी पाया जाता है। तो ये जो विटामिन और मिनरल होते हैं ये इसी में ही ये भी आ जाते हैं, विटामिन और मिनरल इसी के मेनली जो होता है मेजर, ये हम लोग बहुत ही ट्रेस अमाउंट में लेते हैं। ट्रेस अमाउंट कहने का मतलब है बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, ठीक। ये हमारे बॉडी को तो आवश्यक होती है, बहुत आवश्यक होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, और इसको हम लोग बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं। और इनकी जो पूर्ति होती है वो इसी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में हो जाती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा बॉडी, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो डाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा इसको सरल रूपों में तोड़ते हैं। और वो जो सरल रूप है इसका, कार्बोहाइड्रेट को अगर तोड़ा जाएगा तो ये ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन के रूप में टूटते हैं। किसके रूप में? ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन, ठीक। ये इसका क्या है, सरल रूप है। अगर फैट को तोड़ा जाता है तो लिपिड के रूप में तोड़ा जाता है, और प्रोटीन को अगर तोड़ा जाता है तो किसमें? सरल रूप में। इसका जो सरल रूप है वो है पेप्टाइड, पेप्टोन और एमिनो एसिड, ठीक। ये इनका क्या है, सरल रूप है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो होता है
वो किस रूप में पाया जाता है, तो ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, और मेनली जो प्रोटीन होता है वो पेप्टाइड, पेप्टोन या फिर एमिनो एसिड के रूप में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस फॉर्म में स्टोर होता है या पाया जाता है, तो ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, और प्रोटीन का अगर पूछा जाए तो पेप्टाइड, पेप्टोन या फिर एमिनो एसिड के रूप में। ये इसके सिंपल रूप है, इसी रूप में हम लोगों की बॉडी का जो सेल्स होता है इसी रूप में ही एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, कभी भी इनसे नहीं एनर्जी बना पाएगा, ठीक, क्योंकि इतना कैपेबल नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जटिल अणु होते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी डायरेक्ट इनको नहीं ले सकती है और इसको सरल रूप में तोड़ती है, सिंपल फॉर्म में तोड़ती है। ये इन्हीं का ही एक रूप है, लेकिन ये क्या सरल रूप है, और इसी रूप में ही हमारी बॉडी सेल्स इसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करती है। इतनी चीज़ें क्लियर है। और देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स रूप है और ये जो सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया है, इस रूप से इस रूप में जो चेंज करने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इतनी चीज़ें क्लियर है। आप लोग समझे ना कि डाइजेशन होता क्या है, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। इसके जटिल रूप जो होते हैं या कॉम्प्लेक्स रूप जो होते हैं, आप लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं, और जब उन्हीं को सरल रूप में तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन या फिर उसके साथ साथ में अगर प्रोटीन को तोड़ते हैं तो पेप्टोन, पेप्टाइड या एमिनो एसिड के रूप में, इसी से जो तोड़ने की प्रक्रिया है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म, ठीक, सरल रूप में, ऐसा रूप जो जिसे हमारी बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब कर सके, ऐसे रूप में उसको तोड़े तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। अभी देखिए हम लोगों को जो पढ़ना है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव, इसको भी रख, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग जानते हो कि कहीं भी सिस्टम लग जाता तो इसका मतलब क्या होता है, अगर सिस्टम लग गया तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि अंगों का समूह, क्या होता है, अंगों का समूह, और आगे क्या लिखा है, डाइजेस्टिव, अंगों का वह समूह जो एक साथ मिल करके डाइजेशन का काम करते हैं, पाचन का काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसी के आगे सर्कुलेटरी लग गया तो इसका मतलब अंगों का समूह जो सर्कुलेशन के प्रोसेस को पूरा संपन्न करवाता है, सिस्टम मतलब अंगों का समूह जो एक साथ मिलकर के कोई किसी एक काम को एक साथ सभी लोग मिलकर के संपन्न करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव लिखा है तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया कि जो भी जो सिंपल कॉम्प्लेक्स रूप से सिंपल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया है, और उस तोड़ने की प्रक्रिया में जितने भी ऑर्गन उस क्रिया को करने में सहायता करते हैं और जिसमें हमारा भोजन जाता है, ये सभी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जो जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन के बारे में, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो अगर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। कौन कौन से पढ़े होंगे आप लोग, एक तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल, क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए जो ये सिंपल रूप, जो ये कॉम्प्लेक्स रूप से सिंपल रूप में टूटता है भोजन, ये ऐसे ही नहीं टूटता है, इसको भी तोड़ने के लिए एक एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जूस सेक्रेट होते हैं, जो इस क्रिया को करने में सहायता करते हैं, इनकी सहायता से जो कॉम्प्लेक्स रूप है, जटिल रूप है, वो सरल रूप में टूटता है। आप लोग एंजाइम के बारे में कुछ जानते हो, एंजाइम जो होता है वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, क्या होता है, रासायनिक पदार्थ जो किसी भी कार्य को या तो उत्तेजित कर देता है या तो क्या करता है, उसको धीमा कर देता है। एंजाइम जो होता है वो किसी भी क्रिया को या रिएक्शन को, जो रिएक्शन हो रहा है उसको स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है, ठीक। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स से
सिंपल रूप में टूटता है, इस सिंपल रूप में टूटने के लिए एक पदार्थ, एक रासायनिक पदार्थ हम लोगों के बॉडी में सेक्रेट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। और ये एंजाइम कहाँ से सेक्रेट होता है, ग्लैंड से सेक्रेट होता है। किससे सेक्रेट होता है, ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ग्लैंड क्या होता है, आप लोग जब ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ा जाएगा। ग्लैंड जो होता है मेनली ऐसा कोई मतलब चीज होता है जिससे या तो जूस निकलते हैं, और क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, एंजाइम के साथ साथ में हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। जूस, एंजाइम और हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ऐसा ग्लैंड जिसके द्वारा एंजाइम और जूस सेक्रेट होते हैं, ठीक है, उस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जोक्राइन ग्लैंड। और ऐसा ग्लैंड जिसके द्वारा क्या सेक्रेट होता है, हार्मोन सेक्रेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जब आप ग्लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि ग्लैंड जो होता है, ग्रंथि जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक्जोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्जोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को बोलेंगे जिससे एंजाइम सेक्रेट होता है, वो क्या कहलाता है, एक्जोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। हार्मोन की ऐसा ग्लैंड जिसके द्वारा हार्मोन सेक्रेट होता है, ऐसे ग्लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों में एक्जोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इसे सिंपल रूप में तोड़ने के लिए जो हेल्प करता है वो क्या होता है, एंजाइम और जूस। एंजाइम और जूस जो होते हैं वो कहाँ से सेक्रेट होते हैं, एक्जोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक। एक जो है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल कहने का मतलब है कोई भी ऐसा पाइपलाइन सिस्टम जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस तक जा करके इंड हो जाता है। माउथ से स्टार्ट होता है तो कहीं पे वो क्या होता है, कहीं पे वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और कहीं पे अंदर जाके बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब थैलेनुमा संरचना। कहीं पे वही जो पाइपलाइन सिस्टम जो होता है वो क्वाइल्ड हो जाता है। क्वाइल्ड मतलब बिल्कुल घुमावदार होता है। जैसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन में देखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में यही एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, बिल्कुल कुंडलित रूप में हो जाता है। और ये जो कुंडलित रूप होता है वही स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। देखिए इसमें एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, माउथ के बारे में। माउथ को ही आप लोग बक्कल कैविटी भी बोल सकते हो, और इसको ओरल कैविटी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला, ये इतना जो पोर्शन है, ये माउथ और यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन है, ठीक, आप उसको माउथ या बक्कल कैविटी या फिर उसी को ओरल कैविटी पढ़ सकते हो, ठीक। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, माउथ से भोजन उसके बाद में कहाँ जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है। कहाँ जाता है, फूड पाइप में। फूड पाइप को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईसोफेगस, ठीक। फिर उसके बाद में कहाँ, स्टमक में। कहाँ पे, स्टमक में। फिर हमारे कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत जिसे आप लोग कहते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत इसका ये मतलब नहीं, ये बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, ठीक। ये क्वाइल्ड रूप में होती है इसीलिए इसको छोटी आंत कहते हैं, मतलब जगह कम रहती है इसीलिए इसको छोटी आंत, लेकिन ये वास्तव में बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, आप इसके नाम पे मत जाइएगा, ठीक। इसके बाद में क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। फिर उसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है हमारा रेक्टम और एनस, ठीक। ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं। इतने पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है। हमारा जो आहार नाल होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, एनस पर एंड होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक। 8 से 10 मीटर इसकी कुल लंबाई होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड होती है। देखिए माउथ में भी हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, टीथ और टंग। माउथ में यही दो चीज तो पाए जाते हैं। अगर हम लोग माउथ या बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के पार्ट के बारे में देखें तो माउथ में क्या पाया जाता है, टीथ पाया जाता है और टंग पाया जाता है। तो इसमें भी हम लोगों को दो चीजों के बारे में अध्ययन करना है, टीथ और टंग के बारे में, ठीक है। अगर ग्लैंड की बात करें कि किस किस पार्ट में कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, तो अगर माउथ में देखें तो क्या पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड।
जिसे हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि से तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अभी उसके बारे में मत देखिए, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड इतना जानिए कि सलाइवरी ग्लैंड होता है जिससे लार सेक्रेट होता है, और उस लार में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एक तो होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। ठीक। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। यहाँ पे पी साइलेंट होता है। फिर एक एंजाइम होता है डायस्टोज। फिर म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। देखिए ये मतलब ये लार ही होते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन और डायस्टोज, ये तीन मेन एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम जो होता है वो क्या करता है, जब हम लोग सबसे पहले भोजन हम लोग कहाँ रखते हैं? माउथ में ही रखते हैं। तो जो हम लोग जैसे सबसे पहले माउथ में रखते हैं तो हम लोगों का टीथ क्या करता है, उसको अच्छे से मतलब तोड़ता है, पीसता है, ये सब काम कौन करता है? टीथ करता है। उसके बाद में जो लार होता है, उस लार में जो लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम क्या करता है, जितने भी उस भोजन में सूक्ष्म जीव आ गए हैं, माइक्रोब्स आ गए हैं जो भोजन के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करना चाहता है, उनको क्या करता है, ये किल कर देता है। क्या करता है? किल कर देता है, मार देता है। कौन? लाइसोजाइम एंजाइम, किल बैक्टीरिया। ठीक। इसका फंक्शन होता है। और टाइलिन और डायस्टोज का जो काम होता है वो स्टार्च का डाइजेशन करना। किसका डाइजेशन करना? स्टार्च का डाइजेशन करना। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, जो टाइलिन और डायस्टोज एंजाइम के द्वारा जितने भी अनाज हम लोग खाते हैं, आप लोग आटा जब चालते होंगे तो उसमें चोकर निकलता होगा, है ना? वो जो चोकर ही होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? स्टार्च होता है। जितने भी छिलके वाले अनाज होते हैं वे सभी, उन सभी में स्टार्च पाया जाता है। जितने भी छिलकेदार अनाज होते हैं सभी में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे बॉडी के किस भाग से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो आप क्या बताएंगे? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। तो आप कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है स्टार्च, सरल रूप है स्टार्च। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कहाँ से प्रारंभ होता है? हमारे माउथ से प्रारंभ होता है। आपको कार्बोहाइड्रेट भी दे सकता है और स्टार्च भी दे सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्च होता है, या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए कि किस भाग में हमारे डाइजेस्टिव आर्गन में, किस आर्गन में स्टार्च का या फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो क्या होता है? टाइलिन, माउथ के टाइलिन और डाइजेस्टोज एंजाइम के द्वारा क्या होता है? स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक। म्यूकस, म्यूकस मेनली क्या करता है? हमारे भोजन को चिपचिपा बनाता है, तभी तो हमारा भोजन अगर पूरा सॉलिड और सूखे रूप में रहेगा, हमारा बॉडी हमारा फूड जो होगा वो अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। हमारे माउथ में जब भोजन अच्छे से सलाइवा में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद में एक लुगदी के रूप में चेंज हो जाता है, तो वो जो रूप होता है उस रूप को बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। देखिए भोजन के अलग अलग रूप होते हैं, और अलग जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे ये माउथ से एनस की तरफ बढ़ेंगे, इनका जो डाइजेशन होगा वो, देखिए जितना भी डाइजेशन होना रहता है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है। अगर पूछा जाए कि भोजन का डाइजेशन कहाँ पे पूरी तरह से पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो यहाँ तक चलती है, उसके बाद में जो अवशेष होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक। तो ये माउथ से एनस तक इतने जो आर्गन हैं ये हमारे किस में आते हैं? ये सभी एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। और जो ग्लैंड हम लोग पढ़ते हैं ये तो इतना माउथ का पार्ट है, इसके अलावा जो ग्लैंड होते हैं, देखिए फूड पाइप में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, भोजन के किसी भी प्रकार का डाइजेशन फूड पाइप के अंदर नहीं होता। फूड पाइप जो होता है वो केवल बस यही होता है कि भोजन को धीरे धीरे वो नीचे लेके जाता है, कहाँ पे? स्टमक के पास में। ठीक। जितना भी डाइजेशन होता है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा होता है। हम लोग ग्लैंड में पढ़ेंगे, तो एक तो सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में। ठीक। लीवर के बारे में पढ़ेंगे, पैंक्रियाज,
हाँ बस ये तीन जो होते हैं ठीक, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज, ये तीन ग्लैंड हम लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ने हैं। आप लोग जानते हो कि लीवर जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ठीक, पैनक्रियाज होता है। अब देखिए अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितना चीज क्लियर है आप लोगों को? हम लोग सबसे बारे में किस सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? माउथ के बारे में ठीक है। माउथ में क्या होता है मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है वो टीथ के बारे में पढ़ना है, दांत के बारे में पढ़ना है, टीथ ठीक। इसी को हिंदी में दांत या तंत्र बोलते हैं। हम लोगों में जो दांत पाया जाता है वो मेनली कितने प्रकार का पाया जाता है? चार प्रकार का। कितने प्रकार का? चार प्रकार का दांत पाया जाता है। कौन कौन सा? इंसाइजर, पढ़े होंगे ना आप लोग, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर ठीक है। ये चार प्रकार के दांत हम लोगों में पाए जाते हैं। आप लोग जानते हो कि इंसाइजर, इंसाइजर कितने होते हैं? हाँ मतलब चार ऊपर होते हैं और चार क्या होते हैं? नीचे होते हैं ठीक है। ये अगर टोटल संख्या की बात करें हम लोग तो कितने होते हैं? एट होते हैं। और मेन काम इसका क्या होता है? बाइट करना। बाइट मतलब काटना। हम लोग जितना भी भोजन करते हैं तो जो काटने वाला काम होता है या कोई भी चीज खाते हैं तो जो काटने वाला काम होता है वो कहाँ से? हमारे इन्हीं आगे वाले दांत से ही तो होता है। इंसाइजर दांत को स्माइली टीथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्माइली टीथ। देखिए जब आप लोग हंसते तो सबसे पहले कौन सा नजर आता है? यही वाला दांत तो नजर आता है, तो इसको स्माइली टीथ भी बोला जाता है ठीक। ये चीज जाने रहिए कि स्माइली टीथ किसको बोलते हैं? तो इंसाइजर को बोलते हैं, जो कि चार ऊपर होते हैं और चार क्या होते हैं? नीचे। अपर जॉ और लोअर जॉ, इन्हीं दोनों में तो हमारे दांत फिक्स होते हैं। ये ऊपरी वाला जबड़ा और ये निचली वाला जबड़ा। हम लोगों में जो निचला वाला जबड़ा होता है, लोअर जॉ होता है, वो मूवेबल होता है। अपर जॉ थोड़ी ना मूव करता है, अपर जॉ नहीं मूव करता है ठीक है। हम लोग का जो मूव करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे स्कल का कौन सा भाग जो होता है, ये पूरा क्या हम लोगों का स्कल है, खोपड़ी है ठीक है। ये जो इसका कौन सा भाग मूवेबल होता है, मतलब कौन सा भाग मूव कर सकता है, तो हम लोगों का जो लोअर जॉ होता है, निचला वाला जबड़ा जो होता है वो मूव करता है। बाकी हम लोगों के चेहरे में या पूरी इतने में कोई हड्डी मूव करती है? कोई नहीं मूव करती, केवल लोअर जॉ जो होती है वही मूव करती है। और इसी लोअर जॉ के मूव करने के कारण हम लोग खाना खा पाते हैं, बोल पाते हैं। इसी अगर ये मूव ना हो तो हम लोग कर पाएंगे कोई काम? नहीं कर पाएंगे ठीक है। तो केवल यही मूव। उसके अलावा जो केनाइन होता है, आप लोग देखते होंगे कि इन्हीं चारों के बगल में आप लोग महसूस करेंगे तो इन्हीं चारों के बगल में क्या होता है? नुकीला नुकीला दांत होता है, जो कि दो नीचे होते हैं और दो ऊपर होते हैं। नुकीला दांत होता है ना, देखे हो कि नहीं देखे हो? तो वो जो नुकीला नुकीला वाला दांत होता है उसको क्या बोलते हैं? केनाइन बोलते हैं। दो ऊपर होता है और दो नीचे होता है ठीक, चार होते हैं। इसका मेन काम होता है टीयरिंग। क्या होता है? टीयरिंग। टीयरिंग कहने का मतलब है चीरने फाड़ने का काम। मतलब जो भोजन में चीरने फाड़ने वाला काम जितना भी रहेगा वो सब कौन करता है? केनाइन करता है। ये मांसाहारी जंतु, जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं जो कि क्या नाम है, मांस खाते हैं, केनाइन जो होता है, जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? टेयरिंग होता है, चीरने फाड़ने का काम होता है ठीक। ये मांसाहारी जंतुओं का एक लक्षण होता है। और इंसाइजर जो होता है वो जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं उनका जो मेन काम होता है या मेन जो लक्षण होता है वो क्या होता है? उनके उनके बॉडी में इंसाइजर दांत पाया जाता है, क्योंकि उनको काटने, जितने भी शाकाहारी जंतु होंगे उनको काटने का काम ज़्यादा लगता है। जैसे अभी रैबिट को ले लो, रैबिट को काट काट के ही तो खाना पड़ता है, तो उसका जो इंसाइजर वाला दांत जो होता है वो बहुत ही विकसित होता है, बहुत अधिक विकसित होता है। और केनाइन वाला दांत अगर देखोगे तो जितने भी मांसाहारी जंतु होंगे उनमें केनाइन वाला दांत जो होगा वो बहुत ही अधिक विकसित होगा। मेन काम इसका क्या रहता है? टीयरिंग। टीयरिंग मतलब चीरना फाड़ना ठीक है। उसके बाद में प्रीमोलर आता है। प्रीमोलर जो होता है ये इसका काम होता है ग्राइंडिंग करना ठीक है। हाँ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग व मिक्सिंग का काम होता है ठीक है। ग्राइंडिंग मतलब पीसने का काम
और मिक्सिंग मतलब होता है मिलाने का काम, ये किसका काम होता है, प्री मोलर का। उसके अलावा मोलर जो होता है इसका भी वही काम होता है, ग्राइंडिंग करना, ब्रेकिंग करना, ब्रेकिंग मतलब तोड़ना। कोई भी आप चीज़ खाते हो तो यही बगल में एकदम के पीछे की साइड में रख के ये तो तोड़ते हो, खाते हो, यही तो के आगे वाले दांत से तोड़ते हो, नहीं ठीक है, पीछे वाले से ही हम लोग तोड़ते हैं। तो ये हमारे हमारे माउथ में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कौन कौन से, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोगों में जो दांत जो होता है वो दो बार आता है, ठीक, एक तो होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, जिसे आप लोग दूध के दांत बोलते हो, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होता है इसकी जो संख्या होती है वो 20 होती है, जो कि 12 साल के एज तक जाते जाते टूट जाती है, उसके बाद में क्या निकलता है, हमारा परमानेंट टीथ निकलता है। ये अस्थायी दांत होते हैं, मतलब ये अस्थायी नहीं होते, 12 साल या 13 साल मैक्सिमम, वहाँ तक जाते जाते आपके जितने भी मिल्क टीथ रहेंगे वो टूट जाएंगे, और इसके बाद में जो निकलता है दांत वो क्या निकलता है, परमानेंट टीथ निकलता है, अस्थायी दांत निकलता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्या होती है दांत के बारे में, और दांतों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, पढ़े हो ये भी, हाँ ओडेंटोलॉजी, ठीक है। दांत के डॉक्टर को हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं। टंग का मेन काम क्या होता है, भोजन की मिक्सिंग करना, मेन काम एक तो इसका स्वाद लेना, ठीक, उसके साथ साथ में इसके स्वाद ग्रंथि, आप लोग जानते हो कि इस पे कुछ बड्स पाए जाते हैं जिससे हम लोग स्वाद लेते हैं। उसके अलावा टंग का मेन काम है कि भोजन को सलाइवा में अच्छे से मिक्स करना, लार में अच्छे से मिक्स करना। अब देखिए, जब लार में अच्छे से मिक्स हो गया, भोजन टूट गया, पीस गया, जो भी होना था इसका हो गया और लार में अच्छे से मिक्स हो गया, तो वो जो पार्ट बना उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलस। ये यही बोलस अब कहाँ पे इंटर करेगा, कहाँ पे इंटर करेगा, हमारे फूड पाइप में इंटर करेगा, कहाँ पे इंटर करेगा, फूड पाइप, जिसे कि ईसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक। अब ये बोलस कहाँ पे इंटर करेगा, फूड पाइप में इंटर करेगा, ईसोफेगस जिसे कहते हैं। देखिए, फूड पाइप में कभी भी भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, केवल जो भोजन जो हो रहेगा वो धीरे धीरे पाइप के अंदर से हो, पाइप मतलब पाइप वैसे नहीं कि सॉलिड है, वो एक मांसल भाग होता है, ठीक, धीरे धीरे वहाँ से होते हुए, जैसे मान लीजिए अगर आप इसका फिगर बना दें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, और यहाँ पे आप लोग जानते हो कि लीवर में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, उस थैलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, और वो आकर के कहाँ खुलता है, हमारे इस सिस्टम स्टमक वाले भाग में, स्टमक के लास्ट वाले भाग में और इसके छोटी आंत के शुरुआत वाले भाग में। और यहाँ पे आप लोग जानते हो कि एक पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं, ये क्या है, पैंक्रियाज है, ठीक है। ये मान लीजिए माउथ है, ये फूड पाइप है, और इसी को ईसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद में ये क्या हो गया, स्टमक हो गया, ये क्या हो गया, लीवर हो गया, ठीक, ये हम लोग का पैंक्रियाज हो गया, अग्न्याशय जिसे बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। और ये क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया रेक्टम, और ये क्या हो गया, ठीक। ये हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, सबसे पहले माउथ, फिर एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है जिसे फूड पाइप बोलते हैं,
फिर ये फूड पाइप कहाँ पे जुड़ा हुआ है, हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए माउथ में सबसे पहले भोजन कहाँ पे आता है, माउथ में आता है। माउथ में आप लोग बताएं कि यहाँ पे लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और उन लाल ग्रंथियों से कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम? एक तो लाइसोजाइम हो गया, टाइलिन हो गया, टाइलिन के साथ में डायस्टोज और कुछ म्यूकस। टाइलिन और डायस्टोज जो होते हैं, ये भोजन में जो स्टार्च पाए जाते हैं उनका डाइजेशन करते हैं। उसके अलावा जो लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है, वो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। इतना चीज आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक। उसके बाद में आप लोग टीथ के बारे में पढ़े। टीथ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। देखिए अब जो भोजन यहाँ से वो बना लुगदी के रूप में, उस भोजन को हम लोग क्या कहेंगे, बोलस। अब ये जो बोलस है ये कहाँ पे आएगा, ये फूड पाइप में होते हुए कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, स्टमक की तरफ में आएगा। तो जब जैसे जैसे मान लीजिए ये फूड पाइप है, ठीक है, भोजन यहाँ पे आएगा तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कर जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा, ठीक। फिर जैसे नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला भाग जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। मतलब भोजन जो होगा वो धीरे धीरे नीचे, ये जो मूवमेंट है जो नीचे नीचे की तरफ धीरे धीरे भोजन जा रहा है, इसको बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। ये पूछा जाता है कि भोजन जो होता है वो फूड पाइप में किस मूवमेंट के द्वारा नीचे जाता है, तो वो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के द्वारा नीचे जाता है। किस मूवमेंट के द्वारा? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। ये जो ऐसे ऐसे करके भोजन नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टेल्सिस, ठीक है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, ठीक। ये इसके द्वारा भोजन होते हुए अब कहाँ पे आएगा, हमारे स्टमक में आएगा। कहाँ पे आएगा? स्टमक में। इतनी चीजें क्लियर है कि पहले माउथ में भोजन गया, फिर वहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, मतलब जो भी होना था उसका हो गया, फिर वहाँ पे बोलस के रूप में चेंज होकर के हमारे फूड पाइप में आया। फूड पाइप में पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के द्वारा होते हुए कहाँ आया, हमारे स्टमक में। अब देखिए स्टमक में भोजन का क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग स्टमक को देखें तो स्टमक वाला जो भाग होता है, अगर उसको यहाँ पे अगर स्टमक को देखें तो स्टमक के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पढ़े हो कि नहीं पढ़े? हाँ पढ़े होंगे। एक तो सबसे ऊपरी वाले भाग जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियल, जो प्राथमिक भाग होती है इसको बोलते हैं, नहीं पाइलोरी नहीं बोलते हैं, इसको फंडिक बोलते हैं, ठीक। और ये जो लास्ट वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरी, ठीक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ये तीन मेन भाग होते हैं किसके? अमाशय के। हमारा जो अमाशय है उसके जो पार्ट है वो तीन पार्ट है। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। देखिए ये जो कार्डियक वाला आप लोग भाग देख रहे हो, ये वाला जो भाग है, ठीक, ये कार्डियक वाला जो भाग होता है, यहाँ से एक एसिड सेक्रेट होता है, और उस एसिड का क्या नाम है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे माउथ से बच गए, माउथ में नहीं मतलब किल हुए, वो अब आके कहाँ पे किल होंगे? HCl में। अब बताइए कि HCl जो होता है वो एसिड होता है, लेकिन एसिड होने के बाद भी ये हमारे इस वाले भाग को जहाँ से सेक्रेट होता है उस भाग को नुकसान नहीं पहुँचाता। ऐसा क्यों? क्योंकि HCl क्या होता है? बहुत ही हार्ड एसिड होता है, ठीक है। ये जो होता है ये इसको क्यों नहीं हानि पहुँचाता है? क्योंकि इसकी जो लेयर होती है, ये कार्डियक वाली भाग की जो लेयर होती है वो एक पदार्थ की बनी होती है जिसका नाम है म्यूकोशा। क्या नाम है? म्यूकोशा। और ये जो म्यूकोशा होता है ये क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। और आप लोग जानते हो कि जब एसिड बेस आपस में मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना, यही तो होता है। आप लोग कभी कभी भोजन करते होंगे तो कभी ऐसा होता है कि जब भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपको बहुत ही खट्टी खट्टी डकारे आती है, या फिर आप लोग देखते हो बहुत ही मतलब अजीब सा, जब भी वो बहुत ही खट्टा खट्टा महसूस होता कि नहीं होता है? वो ऐसा क्यों होता है? आपको एसिडिटी कहता नहीं है डॉक्टर की एसिडिटी हो गया है? सुने हो कि नहीं सुने हो? जब ये एसिडिटी हो जाता है तो आपको इनो दिया जाता है ना, होता है आप लोग की? तो ये जो इनो होता है ये क्या होता है? क्षार होता है। जब यही एसिड बेस आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सही हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कार्डियक वाला भाग होता है ये क्या सेक्रेट करता है? HCl
एससीएल सेक्रेट करता है। एससीएल जो होता है किसको मार देता है, जितने भी सूक्ष्म जीव माउथ में नहीं किल हुए वो यहाँ पे किल हो जाते हैं। फंडिंग ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पे कांटेनुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कांटेनुमा संरचनाएं। और इस कांटेनुमा संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी। ठीक है, ये कांटेनुमा संरचनाएं जो होती हैं, ये भोजन को बहुत देर तक अमाशय में रोक के रखती हैं। हम लोगों का भोजन जो होता है वो अगर सबसे अधिक समय तक रहता है तो हमारे यहाँ पे रहता है स्टमक में। ठीक है, हमारे अमाशय में भोजन सबसे अधिक देर तक रहता है। यहाँ फंडिंग जो होता है, जो कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं, ये भोजन को देर तक रोक के रखता है। उसके अलावा कभी कभी आप लोग देखेंगे कि जब आपको बहुत तेजी से भूख लगती है तो आपको हल्का दर्द महसूस होता होगा अपने पेट में, होता कि नहीं होता? ये चीज कहते नहीं कि पेट में चूहा कूदना लगा या फिर ऐसे वैसे जो भी आप लोग कहते हो, लेकिन आपको ये चीज महसूस होता होगा कि जब आपको बहुत तेजी से भूख लगती है तो आपको यहाँ पे हल्का दर्द महसूस होता है। वो जो दर्द महसूस होता है वो इसी रूजी के कारण होता है। ये जो कांटेनुमा संरचनाएं होती है ये धीरे धीरे खड़ी होने लगती है, मतलब ये जो होती है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होने लगती है, तो वही हम लोगों को हल्का दर्द महसूस होता है। ठीक है, अगला जो भाग है वो पाइलोरिक वाला भाग है। कौन सा? जो अमाशय का जो सबसे अंतिम वाला भाग है वो क्या है? पाइलोरिक। पाइलोरिक से जो रस निकलता है, जो जूस निकलता है, जो कि भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है, उस जूस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। हाँ, गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। ठीक, इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक पढ़ेंगे आप लोग रेनिन और एक पढ़ेंगे इरेप्सिन, है ना? दो एंजाइम होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। ठीक, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। देखिए रेनिन क्या करता है और पेप्सिन क्या करता है। देखिए रेनिन जो होता है, जो हम लोग जैसे दूध खाए, दूध में क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में? केसिन। इस प्रोटीन को ये क्या करता है? तोड़ देता है, डाइजेस्ट कर देता है। कौन? रेनिन। ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन कि कौन सा एंजाइम या कौन सा जो जूस होता है वो दूध में पाए जाने वाले रेनिन नामक प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो कौन करता है? दूध में पाए जाने वाले केसिन नाम के प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो वो कौन करता है? रेनिन करता है। या फिर आपको ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन पाया जाता है। या ऐसे पूछ सकता है कि केसिन का डाइजेशन होता है किसके द्वारा होता है, तो रेनिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा होता है। अगला जो है पेप्सिन, ये पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। किसमें कर देता है? पेप्टोन और पेप्टाइड में। ठीक है, पेप्टोन या फिर पेप्टाइड में। इतना भाग हम लोगों का क्या होता है? अमाशय का होता है। अमाशय जो होता है उसके तीन भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक वाले भाग से किसका सेक्रेशन होता है? एससीएल का सेक्रेशन होता है। फंडिंग में कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे रूजी बोलते हैं। पाइलोरिक में दो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, उस गैस्ट्रिक जूस में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो होता है वो दूध में पाए जाने वाले केसिन का डाइजेशन करता है और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब देखिए भोजन यहाँ तक तो इतना चीज समझ में आया। आगे देखिए, अब जो यहाँ से भोजन बन के जाएगा उस भोजन को हम लोग काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइम। जो माउथ में जिसका डाइजेशन हुआ, जो लुगदी के समान संरचना बनी, उसको बोलस कहे। क्या बोले? बोलस बोले। और जब भोजन यहाँ अमाशय में आया और अमाशय में इसका जितना भी काम होना था हुआ, अब जो भोजन बचा उस भोजन को हम लोग काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइम। अब भोजन यहाँ से कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, इस वाले भाग में आएगा। इस वाले भाग को बोलते हैं डियोडिनम। क्या बोलते हैं? डियोडिनम। ये छोटी आंत का भाग है। याद रखिए कि छोटी आंत, अभी जब पढ़ोगे तो छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, डियोडिनम, जिजनम और इलियम। ठीक, तो अब जो भोजन आया वो कहाँ पे आया? डियोडिनम वाले भाग में आया। अब देखिए जैसे डियोडिनम वाले भाग में आता है, तुरंत ये जो इसकी दीवारें होती हैं, ये जो इसकी दीवारें होती हैं, ये क्या करती हैं? कुछ हार्मोन सेक्रेट करती हैं। क्या सेक्रेट करती हैं?